Assalamualaikum, YouTube फैमिली सब कैसे हैं उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे आज की वीडियो है फ्रूट सेलड के ऊपर जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है मैंने बनाई थी और मेरी वाह वाह हो गई थैंक यू आंटी गुड़िया ये मेरी मम्मा की दोस्त आंटी गुड़िया की रेसिपी है अच्छा आने तो आने दो तो ऊपर उसके बाद अच्छा मैंने ना वीडियो के अंदर बंद गोभी रखी हुई है बंद गोभी ऐड नहीं करनी उसके ऊपर मैंने क्रॉस लगाया वो सारी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैंने लिख दी है वही वही चीज़ें ऐड करनी है बंद गोभी ऐड नहीं करनी मैंने कहा खुद अपने मुँह से बता दूँ शायद क्रॉस का कुछ लोगों को ना समझ ना लगे चले जी अब रेसिपी की तरफ चलते हैं हाँ जी जी रेसिपी शुरू करते हैं ये जो जितने भी आप लोग को इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं ना ये आठ लोग आराम से खा सकते हैं अगर आठ लोग से ज़्यादा बनानी है तो आप इसी कोई डबल कर लीजिएगा तीन बड़े साइज़ के मैंने एप्पल लिए हैं एक खीरा लिया है एक टमाटर लिया है एक प्याज़ लिया है पाँच केले लिए हैं दो अमरूद लिए हैं आधी शिमला मिर्च ली है एक प्याली थोड़ी सी चने की ली है वाइट चनों की और ये फ्रूट कॉकटेल लिया है गार्लिक केचप लेनी है किनौर की ठीक है और इमली की चटनी आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन बाज़ार की होनी चाहिए घर की इमली की चटनी नहीं होनी चाहिए नेशनल की ले लो या जिस मर्ज़ी ब्रांड की ले लो लेकिन जो गार्लिक केचप है ना ये आपने किनौर की ही लेनी है इसी से ही टेस्ट अच्छा आएगा ठीक है सबसे पहले हम क्या करते हैं जी चनों को भिगो के रख देते हैं ताकि उनको बॉयल हम कर लेंगे प्याज को हम काट के रख देंगे छोटा छोटा उसके बाद बाकी हम चीज़ें सारी काटते हैं ये देखें जी केला हम काट रहे हैं फटाफट फटाफट केला काट रहे हैं अच्छा जो केला काट लेना है बाकी जो है सेब उसके भी बीज निकालने हैं जो है खीरा इसके भी थोड़े से बीज निकाल लेने हैं टमाटर के भी बीज निकाल लेने हैं अमरूद के भी बीज निकाल लेने हैं हर चीज़ के बीज निकाल के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से ना छोटे छोटे क्यूब्स बना लेने हैं ताकि सबसे पहले जो है ना इंसान की आंखें खाती हैं उसके बाद इंसान का मुंह खाता होता है देखने में जो चीज़ अच्छी लग रही होती है ना इंसान उसी की तरह सबसे पहले ना अट्रैक्ट हो जाता है इसलिए कोशिश करनी है बिल्कुल बारीक बारीक सा अच्छा अच्छा सा प्यारा प्यारा सा काट लेना ठीक है ये देखें जी हमने बनाना काट लिया सबसे पहले बनाना काटने का मकसद ये है कि जब सबसे नीचे बनाना चला जाएगा ना तो काला नहीं होगा बनाना बनाना होगा बनाना के बाद हम डालेंगे एप्पल उसके बाद ऊपर सारी चीज़ें डालेंगे बनाना और एप्पल जब नीचे आ जाएगा ना तो उनका जो टेक्सचर होगा और जो शक्ल वगैरह होगी वो ठीक रहेगी ये देखिए हम लोगों ने बनाना ऐड कर दिया है इसके अंदर अब इसके अंदर हम अगली चीज़ें ऐड करते हैं सारी लेकिन बीज निकाल के ऐड करनी है और फ्रूट कॉकटेल का ना हाफ़ टेंट डालेंगे हम इसके अंदर या जितनी आपकी मर्जी है पूरा भी डाल सकते हैं ठीक है ये देखें जी अब हमने इसके ऊपर एप्पल काट के डाल दिए ये मैंने एक दो एप्पल काटे थे भी एक एप्पल रहता है काटने वाला उसके बाद हम इसके ऊपर सारी चीज़ें बकाया की जो रह गई हैं वो काट के डालेंगे जो प्याज़ है पानी में डाल के करतन निकाल के उसकी डालेंगे ये देखें जी ये खीरा है उधर मैंने आमने ऊपर ऊपर से इसके बीज उतार दिए हैं ये देखें जी हमने सारी चीज़ें अंदर अंदर डाल दी हैं प्याज को हमने पानी में डाला हुआ था ये हम अंदर डाल देंगे उसके बाद जो चने हमने बॉयल कर लिए हैं इसको अंदर डाल देंगे और ये देखें जी अब हम चने अंदर डाल रहे हैं हर चीज़ इसके अंदर डाल के मिक्स कर देनी और फ्रूट कॉकटेल का हाफ टेन मैंने इसके अंदर डाल देना भड़े वाला टेन था ये मैं हाफ़ इसके अंदर डाल दूंगी अगर पूरा भी डाल देती तो कोई मसला नहीं होता लेकिन हाफ़ टेन काफ़ी है अब बारी आती है इसके अंदर किनौर की चिली गार्लिक कैचअ ऐड करने की और जो इमली की चटनी आप किसी भी ब्रांड की ऐड कर सकते हैं टेन, टेन टेन टेबल स्पून ऐड करनी है बस आप लोगों ने ये ख्याल रखना है जितनी भी आप लोग चाट बना रहे हैं ना चिली गार्लिक की और इमली की चटनी की इक्वल इक्वल क्वांटिटी रखनी है मैंने टेन टेन टेबल स्पूस दोनों की डाली है इसको मिक्स करूँगी और फिर देखूँगी कि और ज़रूरत हुई तो डालूँगी उसमें मिक्स नहीं हो रहा था बाउल छोटा था तो मैंने इस परात के अंदर डाल के मिक्स कर लिया अच्छी तरह और अब दोबारा उसको शामिल कर दूँगी मैंने टेस्ट किया था मुझे एक टेबल स्पून कम लगी थी मैंने टोटल एलेवन एलेवन टेबल स्पून हल्की हल्की ना इसके अंदर एलेवन टेबल स्पून कैचअप की इलेवन टेबल स्पून इमली की चटनी की ये देखें जी हमने दोबारा उस बाउल के अंदर शिफ्ट कर दिया है अब मैंने ये ऊपर बादाम काट के ये डाल दिए आप लोग पिस्ता भी डाल सकते हैं बादाम का सब बड़ा अच्छा क्रंच क्रंच हल्का हल्का आ रहा था किसी किसी बाइट के साथ तो आप लोग ज़्यादा बादाम भी ऐड कर सकते हैं ये थी जी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार जब मैंने रेसिपी सुनी थी ना मैंने कहा केचप और इमली की चटनी फ्रूट चाट के अंदर पता नहीं कैसा टेस्ट है मैंने बहुत डर के बनाई थी क्योंकि उस दिन मेहमानों ने आना था लेकिन बहुत अच्छी लगी मेहमानों को भी बहुत पसंद आई घर वालों को भी बहुत पसंद आई तो आप लोग जब बनाइएगा ना मुझे लाजमी बताएगा कि आप लोग को टेस्ट कैसा लगा मेरी तरफ से ये रेसिपी टेन आउट ऑफ टेन है चलें जी रेसिपी हुई ख़त्म इस भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी एक दफा ना आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है देखना अम्मी अबू बहन भाई सबको बहुत पसंद आएगा। जब मैंने भी बनाया था ना सबको बहुत पसंद आया था मैं बेटा, मैं आप लोग के फीडबैक का इंतजार करूंगी और मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखियेगा आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जी रब राम